अब हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो सबसे पहले जानते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब ये हो गया, जब डिबेंचर इशू होता है तो उसे ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को कि बाद में जाकर के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हो गया हम लोग का कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर का कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं और इससे देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी। सम्स में क्या दे रखा है, सबसे पहले द कंपनी इशू 10,015% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना हो गया डिबेंचर का, तो ये फेस वैल्यू हो गया यहाँ पे 100 हो गया, प्लस में रेट कितना है डिबेंचर का तो 15%, और नंबर ऑफ कितना हो गया डिबेंचर होल डिबेंचर तो यहाँ पे 10,000। ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड कितना दे रखा है 5 ईयर दे रखा है। एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इन टू इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 शेयर फॉर ईच डिबेंचर। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग समझते सबसे पहला बात 1/10 का मतलब क्या हुआ। तो 1/10 का मतलब ऐसे समझते, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा होता तो कि 1 डिबेंचर 1 इक्विटी शेयर दिया जाएगा आउट ऑफ 10 जो डिबेंचर होल्डर होगा, जो 10 डिबेंचर होल्ड करके रखेगा उससे सिर्फ और सिर्फ 1 इक्विटी शेयर दिया जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या दे रखा है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में दे रखा हुआ है 10 शेयर फॉर ईच डिबेंचर। इसका मतलब एक जो डिबेंचर होल्डर है उसे 10 शेयर दिया जाएगा। आगे क्या है सम्स में, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12 ईच, एंड उसके बाद रखा हुआ हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 5%। तो यहाँ पे 5% से ग्रोथ हो रहा है शेयर का, एंड हम लोग को कंप्यूट करना है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो हम लोग को 35% टैक्स रेट से निकालना है, क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो आ जाइए कॉपी में, सबसे पहले हम लोग सम्स को समझेंगे एंड उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 सबसे पहले हम लोग को कितना दे रखा है नंबर ऑफ डिबेंचर, तो ये हम लोग को दे रखा है 10,000। उसके बाद एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ था हम लोग के पास 100 दे रखा हुआ था, और ये है 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर, 15% ही था ना, ये रहा 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर। इंटरेस्ट रेट भी हम लोग को इससे पता चल जाएगा, 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो इस केस में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 15%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब इसका मैच्योरिटी लाइफ कितना है, तो 5 ईयर है, तो ये हो गया लाइफ, लाइफ हो गया 5 ईयर। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, इशू कितना किया जाएगा, तो इशू किया जाएगा एक डिबेंचर के लिए, एक डिबेंचर के लिए 1 डिबेंचर इज इक्वल टू 10 शेयर। ये हम लोग को दे रखा हुआ था उस पॉइंट में कि एक डिबेंचर होल्डर वाले को यहाँ पे 10 शेयर इशू किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ था यहाँ पे कि यहाँ जो इक्विटी शेयर का जो वैल्यू चल रहा है अभी मार्केट प्राइस, तो ये रहा हम लोग का इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस, ये चल रहा है अभी कितना, तो ₹12 per share, ये हम लोग को चल रहा है मार्केट वैल्यू। उसके बाद ये तो हम लोग का मार्केट वैल्यू हो गया, इसमें ग्रोथ कितना है, तो ग्रोथ कितना परसेंट है इसमें, तो ग्रोथ है 5%। एंड उसके बाद टैक्स रेट हम लोग को एज्यूम करना कितना करना है, तो टैक्स रेट हम लोग को एज्यूम करना है 35%। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, टैक्स रेट 35% एज्यूम करना है। अब जब भी हम लोग का क्या होता था, एक होता था रिडीमेबल डिबेंचर होता था, एक क्या होता था इरिडीमेबल डिबेंचर, या डेब्ट बोलो, रिडीमेबल डेब्ट और इरिडीमेबल डेब्ट। तो जब भी इरिडीमेबल डेब्ट होता था उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता था किसका, तो ये होता था इरिडीमेबल का। तो इरिडीमेबल के लिए फॉर्मूला होता था इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स करते थे, इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे नेट प्रोसीड इंटू 100। ये हम लोग का इरिडीमेबल का था। जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट किसका, तो रिडीमेबल का, तो रिडीमेबल के टाइम हम लोग का क्या फॉर्मूला हो जाता था, तो इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स करते थे हम लोग, प्लस में रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, या रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे एन करते थे। एन यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे होता था एन लाइफ होता था, फिर होल डिवाइड बाय हम लोग करते थे आर वी प्लस एन बी टू दी पावर, सॉरी एन बी डिवाइड बाय 2 करते थे, और इसे मल्टीप्लाई हम लोग करते थे, नहीं बस इस इतना ही था। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता था कब, तो रिडीमेबल के टाइम में ये हम लोग का फॉर्मूला था।
अब ध्यान दीजिए इस केस में, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, तो कैश प्राइस कितना हो गया डिबेंचर का, तो कैश प्राइस सबसे पहले 100 हो गया जो हम लोग को फेस वैल्यू दे रखा हुआ डिबेंचर का। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हुआ, तो सबसे पहले 10 शेयर दिया जा रहा है और एक शेयर के लिए वैल्यू कितना है, तो एक शेयर के लिए वैल्यू यहाँ पे 12 है। और ग्रोथ कितना आ रहा है सम्स में, इक्विटी शेयर का ग्रोथ कितना आ रहा है, तो 5% का ग्रोथ आ रहा है। तो इस केस में यहाँ देखिए सबसे पहले 12 तो वैल्यू है ही, प्लस में ग्रोथ कितना परसेंट से कर रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है 5% से, तो 0.05 और 2 दी पावर कितना साल के लिए, तो 5 ईयर के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद यहाँ मैच्योरिटी होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग का कितना निकल के आ गया यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो एक डिबेंचर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, तो 153.12। यहाँ तक तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी तक में हम लोग क्या किया है, जो हम लोग को फेस वैल्यू दे रखा हुआ था वही हम लोग का कैश प्राइस हो गया डिबेंचर का। उसके बाद एक डिबेंचर के बदले यहाँ पे 10 क्या मिल रहा था, 10 इक्विटी शेयर मिल रहा था, एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू दे रख, एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 12 दे रखा हुआ था और उसमें 5% का ग्रोथ था, 5% ग्रोथ 5 साल के लिए होगा, तो इसलिए हम लोग 2 दी पावर 5 यहाँ करके और निकाल लिए कितना अभी चल देगा, किसका इक्विटी शेयर का प्राइस कितना होगा, तो ये निकल के आ गया 153.12। अब इस 153.12 को हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसे मान लेंगे रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू जो कुछ भी, तो ये हम लोग मान लेंगे 153.12। और बाकी ये तो हम लोग का 100 हो गया, क्या हो गया, तो 100 हम लोग का तो नेट प्रोसीड हो ही गया। और उसके बाद हम लोग को टैक्स दे रखा हुआ 35% और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा हुआ था, तो 15% डिबेंचर था, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 15 हो गया। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे क्या, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, और किस मेथड से ले जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड जो होता है, जो होता था रिडीमेबल डिबेंचर के लिए फॉर्मूला क्या था, तो KD इज इक्वल टू 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, फिर रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2, फिर आर वी माइनस प्लस एन वी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे डिवाइड बाय एन होने वाला था जो एन का मतलब लाइफ होने वाला था, फिर इंटरेस्ट रेट हम लोग को 15% दे रखा हुआ, फिर टैक्स दे रखा हुआ है, फिर रियलाइजेबल वैल्यू, फिर उसमें से हम लोग नेट प्रोसीड माइनस करने के बाद उसे डिवाइड बाय 5 करके, इस तरह से आंसर कितना निकल के आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 16.09। यहाँ तक तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी ही था जो हम लोग सम्स करते आ गए थे और बस उसी में ये दे रखा था। यहाँ पे चेंजेस क्या था, तो चेंजेस जी बस इतना ही था कि हम लोग को इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना होता था। तो ये हम लोग का सबसे पहला हो गया। अगर इसे कॉपी में देखना चाहते हैं तो कॉपी में भी देख लीजिए आप लोग को, ये तो हम लोग का फॉर्मूला सबसे पहले था। कॉपी में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या था, हम लोग का इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर का वैल्यू हम लोग का दे रखा हुआ था, एक इक्विटी शेयर का 12 दे रखा हुआ था और यहाँ पे ग्रोथ था 5% से, तो ग्रोथ का मतलब 0.05, 1 प्लस 0.05, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पे 2 दी पावर कितना, तो 2 दी पावर 5, क्योंकि 5 साल बाद तो जाकर के रिडीम होगा ना, इसलिए हम लोग 2 दी पावर 5 यहाँ पे इक्विटी शेयर का फ्यूचर वैल्यू कितना होने वाला है वो हम लोग निकालते हैं। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, तो 12 इंटू 1 प्लस, कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया, ये रहा 1.05 इंटू 2 इक्वल टू, दो बार हो गया 3 4 5, इंटू 12 करने से हम लोग आ जाता है 15.315, 15.315 आ गया। तो ये हम लोग का आ गया था इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का अभी वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। अब 1 डिबेंचर इज इक्वल टू क्या था, तो 1 डिबेंचर इज इक्वल टू क्या था, 10 इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 15 315, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 इंटू 15.315। तो इस तरह से एक अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 153.15, ये वैल्यू आ जाएगा किसका, तो ये आ जाएगा डिबेंचर का वैल्यू हो जाएगा जो रिडेम्पशन के टाइम में इसे इक्विटी शेयर मिलेगा, तो ये आ जाएगा। इसे हम लोग क्या मानेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 153.15, क्योंकि 5 साल बाद इतना मिलने वाला है इक्विटी शेयर के हिसाब से, और आज के दिन में कितना रुपया है डिबेंचर का वैल्यू, तो यहाँ पे डिबेंचर का वैल्यू कितना दे रखा हुआ था, तो इसका फेस वैल्यू 100 दे रखा हुआ, तो यहाँ क्या मान लेंगे हम लोग, 100 मान लेंगे। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते, तो यहाँ पे 100 है किसका, डिबेंचर का फेस वैल्यू, और इस पे 15%, ये हम लोग का जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। और टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ सम्स में, तो टैक्स दे रखा हुआ था 35%। बस इसे हम लोग फॉर्मूला में डाल करके इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, ये हम लोग आ गया कॉस्ट ऑफ डेट, जो हम लोग का क्या था रिडीमेबल के लिए फॉर्मूला, इसमें हम लोग लिखते थे इंटरेस्ट, फिर 1 माइनस टैक्स प्लस
रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, इसे डिवाइड बाय कर देते हैं एन से, एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, जो लाइफ होता है वो हो गया, फिर आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाय टू, इसमें इंटरेस्ट हम लोग का 15 आ गया, फिर 1 माइनस 0.35 प्लस ये आ गया था 153.12, कितना था ये हम लोग का था 15 माइनस नेट प्रोसीड कितना था 100 डिवाइड बाय 5 एंड होल डिवाइड बाय 153.15 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, बस इसे एक बार सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद हम लोग का ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया 35% टैक्स था ना, 35% टैक्स था 15। सबसे पहले नीचे वाला निकालते हैं तो 153.15 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 एम प्लस, उसके बाद सेकेंड वाली साइड का निकालते हैं, चलिए इससे निकाल लेते हैं ऐसे 126.575 15 इंटू 0.65 तो 9.75 प्लस 153.15 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 15.63 इज इक्वल टू 16.10%। तो ये हम लोग आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गया, जो जो हम लोग का था कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए। बस इसमें खास बात क्या था, तो खास बात यही है कि हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना होता है, और वो भी फ्यूचर वैल्यू का। देखिए जो डिबेंचर, वन डिबेंचर का इक्विवेलेंट था 10 इक्विटी शेयर, और उसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू उसका निकाले थे, तो वो हम लोग का रिडीमेबल वैल्यू निकल के आ जाता था, और इस तरह से हम लोग बनाना है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का सबसे पहले ये पार्ट हो गया था, थोड़ा ये हम लोग का आंसर निकला था 16.10%, तो माइनस का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राउंडिंग ऑफ की वजह से वो भी था। अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रेजेंट वैल्यू से निकालते तो किस तरह से निकालते, तो प्रेजेंट वैल्यू से निकालने से ते तो किस तरह से, तो पहले आप लोगों को कैपिटल बजटिंग नहीं करके आए हो तो आप लोग को ये उतना समझ में नहीं आने वाला, फिर भी एक सम्स हम लोग किए थे तो इसलिए आप लोग देख लीजिए। जीरो ईयर में कितना मिलेगा, तो जीरो ईयर में 100, ये होता है निगेटिव, क्योंकि कोई इन्वेस्टर अगर आकर के पैसा देता है 100, तो यहाँ पे उसे 100 मिलेगा, और हमेशा पी वी फैक्टर क्या होता है जीरो ईयर के लिए, तो हमेशा 1 होता है। इस तरह से आउट फ्लो कितना आ गया, आउट फ्लो यहाँ पे इस केस में 100 आ गया किसी इन्वेस्टर का। इनफ्लो क्या मिलेगा, तो इनफ्लो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट हम लोग जब भी निकालते हैं तो नेट ऑफ टैक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे टैक्स कितना दे रखा था, इंटरेस्ट कितना था 15 था, फिर टैक्स 35% है, तो नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 9.75। तो ये 9.75 हम लोग को इंटरेस्ट मिलता रहेगा 1 से लेकर के 5 ईयर तक में, और फिफ्थ ईयर में जाकर के इक्विटी शेयर का जो इक्विवेलेंट अमाउंट था वो हम लोग मानते हैं यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू है, तो वो हम लोग को मिलने वाला है। एंड उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग एज्यूम किए थे 15 और 20, आप लोग कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो, ये बुक का दे रखा हुआ है, आप लोग कुछ और भी एज्यूम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये याद रखना है आप लोग को कि एनपीवी जो आना चाहिए, एक प्लस में आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे प्लस में एक है एक माइनस में है, और प्लस और माइनस में हमेशा देखिएगा कि जीरो के नज़दीक होना चाहिए। और उसके बाद आयर का जो भी फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में पुट करके यहाँ पे निकाला गया, जो 17.43 आया। तो देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, 16.10 हुआ था जो हम लोग केडी निकाले थे, किस वैल्यू किस फॉर्मूला से निकाले थे, तो ये निकाले थे रिडीमेबल वैल्यूज के फॉर्मूला से, और जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं तो यहाँ पे 17.43। जब आप लोग कुछ और भी चीज़ यहाँ पे 15% के बदले कुछ और चीज़ यहाँ पे एज्यूम करके बनाओगे तो उस टाइम में भी डिफरेंस आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंस आने से, बस एक प्रोसेस होना चाहिए, वो जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा होना चाहिए, तो आप लोग को आंसर नहीं भी मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में मार्क्स मिलेगा ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा या जो भी होने वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।